दोस्तों अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं दोस्तों वीडियो की वायरिंग करना बताऊंगा, जिसकी तो मेरे कुछ दोस्तों के लिए कमेंट बराबर लगातार आ रहे थे कि हमें दो स्विच की वायरिंग करने का कनेक्शन बताइए, कि दो स्विच, तीन स्विच, चार स्विच, मतलब इस तरह की वायरिंग करने का बोर्ड का कनेक्शन करना बताइए। तो मैं दोस्तों लेके आया हूँ, जिसमें दो स्विच हैं दोस्तों, देखिए, और इसके कनेक्शन करने का बहुत ही आसान और अच्छा तरीका बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों ये लीड ले ली है, अब मैं कनेक्शन करना आपको बताता हूँ, वो भी बहुत आसान तरीके से कनेक्शन करना बताऊँगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी वायरिंग करने का आसान तरीका बताऊंगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मुझे करना यह है कि मैं जैसा कि हमेशा करता हूं कि मैं ये दोनों स्विचों में सबसे पहले मैं फेस दे दूंगा, ठीक है। मैं दोनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को जिस तरह से लाइक और शेयर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों देखिए, मैंने दोनों स्विचों में नीचे वाले पॉइंट पर देखिए मैंने फेस दे दिया है, ठीक है। दोस्तों ये देखिए, दोनों स्विचों में नीचे वाले पॉइंट पर फेस दे दिया है। दोस्तों वीडियो छोटी ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। दोस्तों अब ये होल्डर है, मैं इसकी कनेक्शन करना बताऊँ किस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, इसमें मुझे करना ये है कि इसमें मुझे स्विच से मैंने काटे हैं फेस, ठीक है। तो मुझे जो भी बल्ब होल्डर, पंखा, किसी भी चीज़ के कनेक्शन करने होंगे तो मैं स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से उसको दूंगा फेस, ठीक है। दोस्तों ये देखिए, मैंने फेस दे दिया है, अब मैंने स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से काट कर दे देता हूँ फेस, ठीक है। ये दे दिया मैंने फेस, ठीक, मैंने फेस दे दिया बल्ब होल्डर को, ठीक है। अब मुझे इसे देना है न्यूट्रल, ठीक है, अब मुझे न्यूट्रल देना है। ये देखिए मैंने फेस दे दिया है, ठीक, अब मुझे न्यूट्रल देना है इसे। तो न्यूट्रल में ये जो मैंने लीड में, मेरा मेन लीड में जो न्यूट्रल आ रहा है, न्यूट्रल मैं इसमें जोड़ दूंगा डायरेक्ट, ये मेरा न्यूट्रल हो गया, ठीक। अब मैं दूसरे होल्डर के कनेक्शन करना आपको बता दूँ। दोस्तों ये देखिए, इसको भी मैं इसी तरह से कनेक्शन करूँगा। दोस्तों देखिए, मुझे इसको भी फेस देना है, तो फेस में स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काटूंगा। ये देखिए, ये स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से मैंने फेस काट लिया है, ठीक है। दोस्तों ये फेस काट लिया, ये स्विच फेस काट मैंने दे दिया होल्डर को, ठीक है। अब मुझे न्यूट्रल देना है इसे, तो न्यूट्रल मैं दूंगा, ये मेरा न्यूट्रल जो आया हुआ है, मेन जो मेरा न्यूट्रल आया है, वो न्यूट्रल उसमें दे दूंगा, क्योंकि बोर्ड में हमेशा दो तार आते हैं, न्यूट्रल फेस, फेस मैंने दे दिया स्विच में, और न्यूट्रल मेरा ये रहा, न्यूट्रल मैंने इसमें कर दिया, ठीक है। दोस्तों ये वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले दोनों स्विचों में मैंने फेस दिया है, ठीक है। देखिए दोनों स्विचों में फेस दे दिया, फिर एक होल्डर को मैंने कनेक्शन करना था, ठीक, देखिए होल्डर को कनेक्शन करना था मैंने, देखिए तो मैंने होल्डर को फेस दे दिया स्विच के ऊपर वाले में, और न्यूट्रल न्यूट्रल में दे दिया। इसी तरह दूसरे होल्डर कनेक्शन के उसको फेस देना था, तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट कर दिया न्यूट्रल न्यूट्रल में। ये पूरी वायरिंग दोस्तों कंप्लीट हो गई है। आइए दोस्तों मैं इसे चेक कर आपको बताता हूँ। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप वायरिंग बोर्ड वायरिंग कनेक्शन करें तो बहुत ही सावधानी से उसे चेक करें, ठीक है। दोस्तों अब मैं आपको उसे बताता हूँ किस तरह से, वो भी बहुत आसान तरीके से कनेक्शन चेक करना। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, और किसी भी तरह की अगर वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करें, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे, हम आपके लिए दोस्तों वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और वीडियो बनाने में कभी कभी देरी हो जाती है, लेकिन दोस्तों हम वीडियो आपके लिए बनाते ज़रूर हैं, कमेंट्स हमारे पर ज़्यादा आते हैं इसलिए दोस्तों, ठीक है। तो किसी भी तरह के बोर्ड के कनेक्शन आप पूछना चाहें हम बताएंगे, प्लीज़ हमें कमेंट्स करा करें। वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट्स करके बताया करें, कुछ अगर प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताएँ। आइए हम उसे चेक करके बताते हैं। दोस्तों चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, देखिए दोनों कनेक्शन बल्ब लगा लिए, देखिए इस वाले स्विच से मुझे ये बल्ब जल रहा है, ठीक है, ठीक, और इस वाले स्विच से दोस्तों ये वाला बल्ब जल रहा है, ठीक है दोस्तों, और हम दोनों बल्ब भी एक साथ जला सकते हैं, ठीक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वायरिंग आपको समझ में आ गई, वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बराबर जो घंटी का निशान है प्लीज़ उसको ज़रूर दबा देना, ठीक है। वीडियो देखने के दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह